भारत में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि 26 को दो दो हाथ होंगे, मैं कहता हूं आज ही कर लो। उन्होंने कहा, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, तेरी राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने यह बयान टोंक के दूनी में बुधवार रात हुई चुनावी सभा में दिया। इस सीट से कांग्रेस ने देवली उनियारा से वर्तमान विधायक और पूर्व पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा को उतारा है। उनके भाई नमो नारायण मीणा भी यूपीए सरकार में मंत्री थे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपने बयान में कहा, हरीश मीणा हमारे और तेरे बीच दो दो हाथ हो जाएं। कभी कहता है 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कहता हूं कर ले, आज ही कर ले, मैं तैयार हूं। नमो नारायण मीणा भी लड़ रहे थे, मैंने कहा दोनों भाई आ जाओ, मैं तो तैयार हूं। आज तक तूने किसी को अपनी गाड़ी में भी बैठाया हो तो आज भी डीजीपी वाली हेकड़ी में चल रहा है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आगे कहा कि हरीश मीणा ने बावनवास क्षेत्र में एक रात बिताई हो तो बताएं, अपनी विधानसभा देवली उनियारा में एक कोठरी हो तो बताएं, आज मेरे दुश्मन को भी पूछ ले, मैं 25 दिन क्षेत्र में रहता हूं, चाहे मेरे समर्थक नहीं अपने ही समर्थकों से पूछ ले। जौनापुरिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हरीश मीणा पहले ही हार मान चुके हैं, अरे तू पहले ही सरेंडर करे बैठा है। इसके बाद जौनापुरिया ने सभा में मौजूद लोगों से पूछा, सियार की मौत आती है तो किधर भागता है? ये सुनकर लोग हंस पड़े। दरअसल हरीश मीणा ने जौनापुरिया को बाहरी बताते हुए कुछ दिन पहले सियासी हमला किया था। बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान के बाद राजस्थान में राजनीति का माहौल गर्मा गया है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जौनापुरिया के इस बयान से उनको कितना फायदा और कितना नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।